तो दोस्तों बिग बॉस आया नहीं और कंट्रोवर्सी पहले ही शुरू हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है बिग बॉस की सर्कस थीम ने मचाया हुआ है ऑडियंस के बीच में धमाल। लेकिन बिग बॉस मेकर्स की कुछ नागवार बातें जो ऑडियंस को दे रही हैं काफी दुख। ऑडियंस कहती हुई नजर आई कि बिग बॉस मेकर्स की ये चाल काफी इस बार भारी पड़ने वाली है। तेजस्वी प्रकाश को आखिर कौन नहीं जानता, बिग बॉस की फर्स्ट रनर अप रही है, काफी अच्छा भी खेल के गई थी। तो बिग बॉस मेकर्स काफी खतरनाक चाले चालों पे चाले चालों पे चाले करते हुए नजर आए। मेकर्स ने डिसीजन लिया है रश्मि देसाई को तो नहीं, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को एज अ वाइल्ड कार्ड लेकर के जाया जाएगा बिग बॉस के घर में और इन्हें बनाया जाएगा सर्कस का हंडर मास्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है मेकर्स की काफी भारी चाल इस बार ऑडियंस को झेलनी पड़ी। सिर्फ करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ही नहीं बल्कि जाने वाले हैं राजीव दादिया भी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। तो मेकर्स की ये हरकतें देख करके कहीं ना कहीं ऑडियंस क्यों भड़क रही है आपको अब भी समझ में नहीं आया होगा। मुद्दा यही है कि आगे रश्मि देसाई को क्यों नहीं चुना गया, उमर रियाज को मेकर्स ने क्यों नहीं चुना, ऊपर से इनके मोमेंट्स भी डिलीट कर दिए गए हैं। उमरश के नाम के जितने भी ब्रांड थे सारे के सारे बिग बॉस से हटा दिए गए। उमर रियाज को तो यूं कहा जा रहा है कि हमारे को तो उमर रियाज को गलती से भी नहीं लेना, बिग बॉस की ये चाल है। बात ये कहते हुए नजर आए कि उमर को नहीं लेना क्योंकि उमर में बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन था जो कि रश्मि संभाल लिया करती थी। कभी कभार कहते ना हाथों से निकल जाया करते थे उमर। तो मेकर्स ने कहा है कि उमर ये रियाज में काफ़ी एग्रेशन है, हम नहीं चाहते कि उनके जैसा हमारा कोई और कंटेस्टेंट निकले। ये मेकर्स ने जब बातें बोली तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को नागवारा को जरूर कहने लगे कि भैया सबको इक्वल लेकर के चलो, कम से कम ये भेदभाव नहीं चलेगा। काफ़ी लोगों ने सोचा कि बिग बॉस नहीं देखेंगे, अब आपकी क्या राय है?